सैमरी में 3 जिलों की औषधि निरीक्षकों की टीम का आरोग्य मेडिकल स्टोर पर छापा। आए दिन हो रही हॉस्पिटलों व मेडिकल स्टोर की शिकायत को देखते हुए सहायक आयुक्त अयोध्या और जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने मामले को गंभीरता में लेते हुए झोलाछाप डॉक्टरों, बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों और हॉस्पिटलों की जाँच के लिए 3 जिलों की औषधि निरीक्षकों की टीम गठित कर जाँच के आदेश दिए, जिससे पूरे जिले में मेडिकल स्टोरों और बिना लाइसेंस के चल रहे हॉस्पिटलों में हड़कंप मच गया। इसी क्रम में शुक्रवार दोपहर सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र के सैमरी बाजार में स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के बगल में स्थित राज मेडिकल स्टोर पर 3 सदस्यीय मेडिकल जांच टीम ने छापा मारा तो पूरे बाजार में मेडिकल दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर को बंद कर फरार होने लगे। मेडिकल टीम ने जब राज मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो मौके पर मेडिकल स्टोर का मालिक राकेश वर्मा, पुत्र स्वर्गीय राम राज वर्मा, निवासी रामपुर सकरवारी थाना बेवाना जनपद अम्बेडकर नगर, मेडिकल स्टोर पर नहीं था। मेडिकल स्टोर पर राकेश वर्मा का भतीजा सोनू वर्मा, पुत्र स्वर्गीय नन्हेलाल वर्मा मौजूद मिला। मेडिकल जांच टीम ने सोनू वर्मा से मेडिकल स्टोर के लाइसेंस व जरूरी कागजात मांगे, किंतु वह कोई भी कागजात नहीं दे पाया। पूछने पर टीम ने पाया कि मेडिकल स्टोर करीब 7 माह से बिना लाइसेंस की चलाया जा रहा था। 3 सदस्यीय मेडिकल जांच टीम में अनीता कुरिल, औषधीय निरीक्षक सुल्तानपुर, पीसी रस्तोगी, औषधीय निरीक्षक अयोध्या व सुमित कुमार वर्मा, औषधीय निरीक्षक बाराबंकी ने मेडिकल स्टोर मालिक राकेश वर्मा को फोन कर कई बार बुलाया गया, किंतु वह जांच के समय मेडिकल स्टोर पर नहीं पहुंचा। वहीं बाजार में क्षेत्रीय लोगों के अंदर जांच को लेकर कौतूहल बना रहा। सुल्तानपुर शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चल रहा है, जिसके क्रम में जिला अधिकारी महोदय सुल्तानपुर के आदेश एवं सहायक आयुक्त औषधि अयोध्या मंडल के आदेश अनुसार यहाँ पे सीजर की कार्रवाई चल रही है, जिसमें मौके पर औषधि निरीक्षक अयोध्या श्री पीसी रस्तोगी एवं औषधि निरीक्षक बाराबंकी श्री सुमित वर्मा जी उपस्थित हैं। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लगभग 3,000 की दवाएं सीज की गई हैं, 3 लाख की दवाएं सीज की गई हैं एवं 3 नमूने संदेह के आधार पर लिए गए हैं, जिनको जाँच के लिए लैब भेजा जा रहा है। पूरे सीजर की कार्रवाई के उपरांत विवेचना जारी रहेगी, विवेचना के उपरांत इसको न्यायालय में बात दायर किया जाएगा। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है कि नहीं? मैम नहीं, बिना लाइसेंस की दुकान चल रही है, उसका मतलब तो वही हुआ ना।